वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक द्विवेदी और आप अपने चैनल टेक्नो अभिषेक में। फ्रेंड्स, वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग हैं क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मॉरिटोरियम के रिगार्डिंग जो भी न्यूजेज आ रही है इन पर मैं आपको प्रॉपर तरीके से अपडेट कर रहा हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि RBI में भी एक्सटेंड कर सकता मॉरिटोरियम आगे, यानी अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, ना कि RBI ने कोई अभी तक कंफर्मेशन दिया है। सो फ्रेंड्स, इसके लिए अब हमारा जो अगला पड़ाव रहेगा वो रहेगा सुप्रीम कोर्ट में। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम इसी चीज पर बात करेंगे। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि मॉरिटोरियम एक्सटेंशन का रास्ता साफ हो गया है, अब आगे बढ़ सकती है EMI, और इस पर मैंने आपको बताया था कि मॉरिटोरियम एक्सटेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में PLA रेस्टेड हो चुका है। तो आज का ये वीडियो उसी टॉपिक पर है। मैं वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें क्लियर करूंगा, बट ये चीज आपको कंफर्म हो चुकी है कि अभी तक RBI ने कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया एक्सटेंशन को लेकर। तो यानी कि अब जो भी अगला पड़ाव रहेगा वो रहेगा सुप्रीम कोर्ट से। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें बताता हूँ। सो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर एक न्यूज अपडेट है, वो न्यूज है जागरण से। न्यूज क्या फ्रेंड, लोन मॉरिटोरियम योजना को दिसंबर तक बढ़ाने की मांग। ये आप सभी को पता है कि सभी लोग चाहते हैं 3 मंथ आगे बढ़े। नई याचिका पर सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट तैयार है, यानी कि अब इस मैटर पर सुप्रीम कोर्ट अपना पक्ष सुनाएगा। तो ये आपके और मेरे लिए बहुत ही गुड न्यूज है। तो चलिए फ्रेंड्स, न्यूज को रीड कर लेते हैं। पहले हम यहाँ पर फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट RBI की लोन मॉरिटोरियम योजना को इस साल दिसंबर तक बढ़ाए जाने की मांग को लेकर दाखिल की गई नई याचिका पर सुनवाई करने को तैयार है। आप इस चीज को समझिए, लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था एक पिटीशन दिया गया है मॉरिटोरियम एक्सटेंड को लेकर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर उसकी सुनवाई भी होने वाली है। याचिकाकर्ता ने अदालत के समक्ष दलील दी कि कोरोना संकट से पैदा हुई जिन विषम परिस्थितियों को देखते हुए मॉरिटोरियम सुविधा दी गई है वह अभी टली नहीं, यानी कि मॉरिटोरियम एक्सटेंशन किन परिस्थितियों में दिया गया वो परिस्थिति अभी भी बनी हुई है, और इस बीच में यानी ऐसे में इसे इस वर्ष दिसंबर तक विस्तार दिया जाए। सो फ्रेंड्स, ये आपके और मेरे लिए बहुत ही गुड न्यूज है कि यहाँ पर कुछ दिन पहले एक पिटीशन दी गई थी जिसका मैंने आपको वीडियो भी बनाकर बताया था, और अब फाइनली उस पर सुनवाई भी होने वाली है। अब इस पर देखिए, जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने अभिवक्ता विशाल तिवारी की याचिका को स्वीकार करते हुए इसे संबंधित मसले पर पूर्व की याचिका के साथ लगाने के निर्देश बता दें कि कोरोना संकट को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने इस वर्ष मार्च में खुदरा लोन ग्राहकों को EMI भुगतान से राहत दी थी। यानी कि जो पूर्व वाली जो संबंधित याचिका थी मॉरिटोरियम एक्सटेंशन पर लगने वाले ब्याज पर, उसी के साथ में इसे भी सुनाया जाएगा। यानी कि 1 सितंबर पर इसकी सुनवाई है और उसी के साथ में मॉरिटोरियम एक्सटेंशन को भी वो आगे इस पर भी जवाब देंगे। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही गुड न्यूज है और इसके लिए हमें 102 दिन का वेट करना पड़ेगा। तो ये आपके और मेरे लिए बहुत गुड न्यूज़ है, जैसे कि मैंने आपको थंबनेल में भी बताया है। आई होप सो ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये चीज़ समझी थी कि अभी RBI कोई भी बेनिफिट्स नहीं दे रहा है हमें, मगर एक रास्ता सुप्रीम कोर्ट का अवेलेबल है और सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई भी करने को तैयार है फ्रेंड्स। तो आई होप सो वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो में कोई भी दिक्कत बनती है, कोई भी प्रॉब्लम्स है या कुछ आप सजेशन देना चाहते हो, बिल्कुल आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलता हूँ मैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, गुड डे।